नमस्कार आमर स्वतंत्र स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन को स्वागत करुछि मुनि बेदिता दर्शक बंधु आगर कम थिला रोग संख्या आ कम थिला रोगी संख्या हेले एबे दिन को दिन रोग बढ़ुछि आ ता संग को मेडिसिन रो लंबा तालिका मध्य बढ़ुछि हेले जदि सठिक समय रे रोग को चिन्हि बुझि जानी तार चिकित्सा करा जाय ताहले आमे यहाँ को कंट्रोल को आनी परबा तबे खास सेति पई आपनकु जे कोनोसी रोग संबंधे सचेतन कराइबा पई आमर ही स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन दर्शक बंधु वर्तमान समय रे कॉस्मेटिक एवं लेजर सर्जरी रो चाहिदा बेस बढ़ी बारे लागी छे ब्रण रो दाग चोकु मुहरु देउथिबा खालो वातुडी को कॉस्मेटिक सर्जरी माध्यम रे चिकित्सा करी हुए सौंदर्य को बढ़ाइबा पई साधारणतः एहार व्यवहार करा जाय तबे कॉस्मेटिक एवं लेजर सर्जरी कोन कॉस्मेटिक एवं लेजर सर्जरी काहि के दरकार पड़े एहार कोनोसी कुप्रभाव शरीर उपरे पड़े कि नाही ए सबु को ने आलोचना करबा आलोचना पई आज आम सह स्टूडियो रे उपस्थित अछंती समस्तंकर जनासुना वरिष्ठ प्लास्टिक ओ कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर जयंत कुमार दास डॉक्टर दास स्वागत करू छी आलोचना नमस्कार ओके सर केमती अछंती हां भलो अछि ओके डॉक्टर दास जो टॉपिक हम आज रखी छंती विशेष करी ब्यूटी पई सर्जरी विशेष करी समस्त एबे निजो सुंदरता उपर बेसी फोकस करू छंती आ नॉर्मली जदी डॉक्टर दास देखा जाए जे प्लास्टिक सर्जरी कोन समस्त हम ऑटो बहुत जानी छंती किंतु जते बेले कॉस्मेटिक सर्जरी कथा आसे अनेक जानी नाहंती जे कॉस्मेटिक सर्जरी कोन प्रकृतरे कॉस्मेटिक सर्जरी कोन कॉस्मेटिक सर्जरी आपण ठीक कहले तो एबे जो आपणकर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम ये सब हो जाए तो सबुदिन लोक चाहूँगी तांकर बेस्ट लुकटा आसु तो सही लोक बहुत इमेज कॉन्शियस आमर कॉस्मेटिक सर्जरी चाहिदा बढ़ी कॉस्मेटिक सर्जरी है गोटे प्लास्टिक सर्जरी एक्सटेंशन जो थे कि आम ब्यूटी सर्जरी करा जाए जोटा आप ठीक आप टैगलाइन रखिंट ब्यूटी सर्जरी तो ब्यूटी सर्जरी करा जाए जो थे कि लोकर आमर गोटे ब्यूटी एनहांसमेंट हुए किटा सर्जरी गोटे छोट एक्जामपल देवी सपोज जनकर बहुत केश बाल झड़ू आ चंदा हो गला से देखिए आपड़ी हेयर ट्रांसप्लांटेसन कर तो सडन गोटे ट्रांसफर्मेसन होकर गोटे पर्सनालीटर ट्रांसफर्मेसन हो तो सहीटा जोटा ब्यूटी एनहांसमेंट हो कॉस्मेटिक सर्जरी ओके तबे डॉक्टर दास विशेष करी प्लास्टिक सर्जरी एवं कॉस्मेटिक सर्जरी भितरे फरक कोन ए दिटा भितरे पार्थक्य कोन रहै छै एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी गोटे ग्रीक वर्ड रु डिराइव हे छै तो प्लास्टिकोस ता अर्थ मोल्ड करिबा तो प्लास्टिक सर्जरी रे तीनटा सब स्पेशलिटीज अछि गोटे हला बर्न्स जोथरे आपण देखिबे जळापोडा रोगी मानकर चिकित्सा सेकंड हला आपण रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी जोथरे आपणकर डायबिटिक फुट हला रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हला किछि गोटे बर्थ डिफेक्ट हला किंबा कैंसर पर सर्जरी होउची किंबा किछि गोटे ट्रॉमा एक्सीडेंट हला तापर सर्जरी होउची तो सेथिरे रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होउची कॉस्मेटिक सर्जरी हला थर्ड सब स्पेशलिटी जो थ्री के आपणकर लोकर नॉर्मल अछि बट किछिटा किछिटा जो थ्री आकृति रे चेंज हे छी कहार नाक चेप्टा हे छी कहार ओठो बहुत सरु अछि किंबा कहार चंदा हे जाइ छन किए तो कहार केवल बहुत चर्बी हो बहुत मानने ट्रंकल ओबेसीटी अच्छी जोटा फिगरटा भल देखा जाऊनी तो सही थे आम जिते सर्जरी करके लुकटा को एनहांस करें कॉस्मेटिक सर्जरी डॉक्टर दास जो कथ कहली जी चंदापण विशेषकर आम हेयर प्लांटेसन द्वारा जो चुट्टी आम लगाती नर्माली जो आप जो मैंने ट्रिटमेंट करती हेयर फल हमारे चान्सेस रोचे ना ना तार कम चान्सेस रुहे नर्माल चुट्टी अपेक्षा हाँ तापी आम गोटे साइंटिफिकल बेसिस अच्छी आप देखिथे जो मैंने भी चंदा अटंती से माने जो फेस रो फ्रंट पोर्सन देखले आप चंदा देखा जिबे किंतु जो पछपट जो अक्सीपिटल एरिया जो मुंडर पछपट से एरिया देखिए केवे भी बाल झड़ेनि से जेनेटिकली प्रोग्रामड परमानेंट हेयर तो आम कौन करूँ आम से जगार हेयर नहीं कर आगे से ट्रांसप्लांट करूँ तेणु जो हेयरटा को आम ट्रांसप्लांट करमम 20-25 वर्ष मिनिमम से जाए आईटा नर्माल हेयर भाया तार ग्रोथ हुए आ नॉर्मल हेयर भले आपण ताकू काटी परिवे सेविंग हे परिवे सब करि परिवे अच्छा ओके डॉक्टर दास हमें विशेष करी जो था हमें आलोचना करछन ब्यूटी पई सर्जरी विशेष करी आपण देखंतु अनेक सेलिब्रेटिंग जो माने विशेष करी फॉलो करंती जे हमें बॉलीवुड रे अधिकांश देखिछन आपण बोनी रॉय को कथा कोंतु आपण प्रियंका चोपड़ा को कथा कोंतु आपण राखी सावंत को कथा कोंतु ए समस्त ब्यूटी पई सर्जरी करिछन अनेक समय रे देखबा को मिले डॉक्टर दास जे जदि गोटे सुंदर करबा को जे असुंदर मध्ये होई पारे एमति केते बेले चांसेस आपण देखंती कि आपण जति कि वर्तमान पर्यंत सर्जरी
तो बर्तमान जमती मोर षोल वर्ष एक्सपीरियंस रु कहूँ तो जदि मोर गोटे समस्ते जो मैंने कस्मेटिक सर्जरी करउछंती मोर गोटे रिक्वेस्ट तांकु तो जेबे भी कौन सी आपण चाहूछंती कस्मेटिक सर्जरी करैबा को तो प्रथमे आपण कौन करैबा को चाहूछंती सेटा क्लियर रहिबा कथा माइंड रे तो बहुत लोकंकर बेले बेले बहुत अबनॉर्मल एक्सपेक्टेशन रहउछि जे मोर ए टाइप रो दरकार से टाइप रो दरकार जोटा कि आपण गोटे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहिबा दरकार। सेकंड जिनस गोटे क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन पाखे आप कॉस्मेटिक सर्जरी करूँ। थर्ड जिनस है जो क्वालिफाइड कॉस्मेटिक सर्जन करूँ आप कॉस्मेटिक सर्जरी तो से गोटे भल हॉस्पिटल सेटअप करवा दरकार कारण भल ओटी थी दरकार इक्विपमेंट्स भल थी दरकार सहित भल प्लास्टिक सर्जन हेले तार रिजल्ट निश्चय भल हम आते साइड इफेक्ट मिनिमल नील रही माने बेसिकली डिपेंड करे जो सर्जन से केते स्किलफुल एक्जेक्टली माने तारो एक्सपीरियंस तारो एनालिसिस तारो प्लेटफार्म को प्लेटफार्म बा हॉस्पिटल रे से करूची सेटा भी बहुत इंपोर्टेंट एक्जेक्टली। अंतिम डॉक्टर दास आ गोटे कथा होची जे जो कॉस्मेटिक सर्जरी कथा कोचोंदी बहुत अधिका प्राइस रहिथाय समस्तक पक्षे संभव नहि प्रकृतिरारो जेतु डिमांड मध्ये बे अधिका रहूची आपण आमे जेमती कथा होतले जे केते प्राइस मिनिमम केते टका खर्च करबा को पड़े सर्जरी पई। हाँ एटा भी गोटे मिसकनसेप्शन अच्छी जे कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत एक्सपेंसिव बहुत केवल सिनेमा आर्टिस्ट बा फिल्म एक्टर एमाने ही करती मॉडल्स माने करती जोटा कि एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। कॉस्मेटिक सर्जरी आपणकर जदि नॉन सर्जिकल और सर्जिकल दी पार्टा देखिए एटा आराम रे 20-30 हजार आरंभ कर लक्ष टंका भितर हो पारे तो कॉस्मेटिक सर्जरी इज नॉट एक्सपेंसिव। ओके कम से कम जो जहारो कन्फ्यूजन थी से क्लियर हो जाई थीबे कथारो डॉक्टर दास ये केते पेनफुल जंत्रणा ताको आमे नॉर्मल देखि जों जेकोनो से ऑपरेशन टेले भी बहुत पेनफुल थाए पेन किलर हो किबा इंजेक्शन द्वारा केमती तांको कष्ट न होबो आमे सेते में चेष्टा करथांती जो सर्जरी कथा कुआ जाउची ये केते पेनफुल ना नाही सेमती किछ अच्छी सुविधा जादरा की जंत्रणा सेते हुएनी। कॉस्मेटिक सर्जरी एक्चुअली दी प्रकार विभक्त गोटे नॉन सर्जिकल बा मिनिमल सर्जिकल आउ गोटे हला सर्जिकल तो दुईटा जाकर आपणकर नॉन सर्जिकल बा मिनिमल सर्जिकल आम गोटे लोकल एनेस्थेसिया क्रीम आकर कि इंजेक्शन आकर दे जोटा कि आपंकर जिते प्रोसीजरटा करूँ से जमा पेन हुए आपको जोटाक सर्जिकल हुए जमी फर एक्जामपल लाइपोसक्शन आपंकर तो सैटा अंडर जेना एनेस्थेसिया हुए तेणु से जिते आम सर्जरी करूँ बिल्कुल पेन हुए ऑपरेशन पर भी किछिटा आमे पेन किलर बा एनाल्जेसिक दे थाउ जो थ्री की एब्सोल्युटली पेन फ्री रुए आपण सुनिले आश्चर्य हेबे जो दिन भी लाइपोसक्शन हबो जो दिन सर्जरी हबो इमिडिएटली सेई दिन संध्या रे से लोक जीवा आसीबा चलाबुला सब नॉर्मल एक्टिविटीज करि परिबो। अच्छा डॉक्टर दास केते प्रकार सर्जरी एमते अछि मुझे कहली कॉस्मेटिक सर्जरी दुई भाग में विभक्त गोटे है नॉन सर्जिकल बा मिनिमल सर्जिकल आउ गोटे है सर्जिकल तो नॉन सर्जिकल जब कह जोटा कि आजिकल चाहिदा बेसी अच्छी मुझे गुड़ा कहमती तो जब आप गणवे निहाती 60-70 प्रोसीजर अच्छी नॉन सर्जिकल सर्जिकल मिसिक तो से जोटा कि बहुत चली जनकर केश उपड़ी बाल झड़ू तो से गोटे पीआरपी थेरापी करूँ जो थे कि ब्लड रु आम गोटे प्रोसेसिंग करुचे से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बा पीआरपी बाहर आई पीआरपी टा आम इंजेक्शन दि जाऊँच स्काल्प तो से आप हेयर ग्रोथ होची हेयर रिस्टोर होची आउ बाल झड़वा कमी जाऊँगी तो से गोटे बहुत चली जो बहुत डिमांड अच्छे सेकेंड जिनस है आप बोटक्स आउ फिलर आप शुभ बोटक्स आउ फिलर तो से भी बहुत डिमांड अच्छी जो मान टे 35 एज पर धीरे धीरे रिंकल स्टार्ट हो कौ जगार जो माने फेस रे कुंचन सृष्टि होची तो सेथि पई आमे बोटॉक्स आ फिलर रो माध्यम रे आमे करि परचु आउ यंग जनरेशन रे भी बहुत जणो फिलर यूज करचुन तांकर लिप रो एनहांसमेंट पई तो आजकल जेमती आपण देखिबे सेल्फी रे गोटे पाउटिंग बा गोटे अट्रैक्टिव लिप पई तो सेथि पई से माने फिलर भी यूज करचुन जोथरे तांकर लिप रे गोटे पाउटिंग होची बा अट्रैक्टिव देखा जाउची तो एटा भी बहुत डिमांड एटा भी बहुत डिमांड अछि आउ जोटा कहिले डिंपल गोटे अछि तो से डिंपल प्लास्टिक बहुत जणो करउचुन जोटा कि आपण लोकल एनेस्थेसिया रे हे जाउची डे केयर प्रोसीजर एथरे एडमिशन दरकार नै तो गोटे ओपीडी सेटअप रे आराम रे सेटा गोटे छोटो लोकल एनेस्थेसिया देखरे आमे डिंपल प्लास्टी भी करि परिबा। आउ गोटे जोटा आपण मौनी रे कथा कहिले तो देखिबे तांकर जो आपण चीक टाकु मार्क करले आगुर जे भले गोटे प्लम्पी लुक थिला तो सेटा एबे देखिबे सेटा पसि जाइछ गालोटा जेमते गोटे करीना कपूर सेई भलिया लुक अछि तो सेटा को बकल फैट रिमूवल कहंती जोटा पार्टी भितर गोटे छोटो इन्सिजन दे देकरी आमे से जो चीक रो फैट गुडा को आमे काढि दउ
जो थे गोटे मानते फेस रोटे चिजेल्ड बा जोटा आप चिक रोटे भल गोटे भि सेप लुक गोटे आसे तो यहाँ भी बहुत डिमांड अच्छी सेकेंड है फेस रे गोटे लेजर प्रोसीजर्स होती सपोज आपणकर बहुत जन यंग देखिए झील मानकर अनवांटेड फेसियल हेयर होची अपर लिप रे आउ गालरे सब फेसियल हेयर आसुची तो से माने कौन होची ना लेजर माध्यम रे सेटा लेजर हेयर रिमूवल करी होची आ गोटे ग्लो पाई भी गोटे कार्बन लेजर फेसियल जेमते आपण ब्यूटी पार्लर रे आपण नॉर्मल फेसियल करचो गोटे लेजर माध्यम रे भी फेसियल करी होची दैट इज नोन एज कार्बन लेजर फेसियल तो एई भलिया जोटा को आपणकर नॉन सर्जिकल बा मिनिमल सर्जिकल प्रोसीजर अटे आ सेथरे आ कहवाक चाहिए फैट ट्रांसफर तो बेले बेले देखिए जन जन गाल बहुत पसी जाइए मानते गोटे हलो चिक् भल देखा जाऊनी किंबा आखिर तल जगह बहुत पसी जाइए गोटे आखिटा हलो आईज भाया देखा जाऊँगी तो टीयटर कहती तो सही केस रे आमे कौन करूँ पेटर फैट नहीं प्रोसेसिंग कर इंजेक्ट कर विशेषकर देखे जो डार्क सर्कल्स आसुची स्क्रीन मैं आखि तले से लेजर ट्रीटमेंट द्वारा तार किसी सॉल्यूशन अच्छी गोटे कॉम्बिनेशन थेरापी आम कर जो थे कि आम कि क्रीम दौर लगे सहित गोटे पिलिंग अच्छी गोटे केमिकल पिलिंग अच्छी जो थे गोटे पिल लगे वाश कर बेले बेले से फिलर भी यूज करुचु जो थे कि आप गोटे हलो मानते आखि तल जो पशी जाइए बे डार्क से गोटे आम लुक एनहांस करने जो फिलर हाइलुरोनिक एसिड रो फिलर भी यूज करुचु अच्छा ओके डॉक्टर दास विशेष करी हमें एबे देखु छंदी जो मानको फेस रे बहुत हेयर रहउची जदि ताको ट्रीटमेंट करु छंती जेसो सर्जरी कथा आपण कहतले कॉस्मेटिक सर्जरी किबा लेजर ट्रीटमेंट करा जाउची ताहले कोन ई संपूर्ण रूपे रिमूव हे जिवो ना नाही पुनी थरे चांसेस रहउची ताको एटा यार एक्चुअली आपण को साइंटिफिक बेसिस ता मन रखियो पडिवो जे कोन जिंसटा तो बहुत जगह रे देखिबे एटा कंप्लीट लेजर हेयर रिमूवल लिखा होची जोटा ट्रू नुहे आमर एक्चुअली एटा लेजर हेयर रिडक्शन तो सेथिरे कोन होची जेतेबेले आमे गोटे लेजर गोटे एरिया रे दउचे जोथरे की आपणकर हेयर गुडा को जो ग्रोइंग फेज रे थाउचंती सेही हेयर गुडा को ही नष्ट होची तेनु आपणकर गोटे जदी इफेक्टिव ट्रीटमेंट पई आपणकर मल्टीपल सेशंस दरकार आ प्रति 3 सप्ताह रे थरे थरे आपणकर लेजर हेयर रिमूवल सेशन नेबे तो मिनिमम 8टा रे 10टा जेतेबेले सेशन नै सारिबे सेतेबेले पाखाबे की 90-95% किबा बेले बेले 100% हेयर चली जाउची जोटे के आउ आसुनी भविष्य रे जदी भविष्य केबे भी वर्षक थे गोटे छोट छोट हेयर आसला टचअप थेरापी सिंगल लेजर थेरापी सेसन रे आमे ताकु काढ़ी दौ डॉक्टर दास आम देखुं जो मैंने विशेषकर पिंपल्स हो डार्क स्पॉट स्किन जाऊनी से मैंने विभिन्न प्रकार क्रीम आनी यूज कर फिर भी पिंपल्स परवर्त समय होमती कि ट्रिटमेंट रही कि विशेषकर कस्मेटिक ट्रिटमेंट से अच्छे सर्जरी जहाद्वारा कि संपूर्ण रूपे भल कर तो ये जो कहले पिंपल्स गोटे आ गोटे है पिगमेंटेशन आ गोटे प्रेगनेंसी पर मेलाजमा तो ये तीन टा बहुत कॉमन प्रॉब्लम अच्छी बहुत जनकर तो पिंपल्स हो कि मेलाजमा हो पिगमेंटेशन हो या गोटे होलिस्टिक अप्रोच दरकार से आम कौन करूँ बहुत टाइम गोटे टॉपिकल थेरापी पिलिंग दि जाए बेले बेले लेजर थेरापी इंटेंस पल्स लाइट आईपीएल थेरापी दि जाए सहित बेले बेले जो मेलाजमा इंडिया लेजर दि जाए तो बहुत प्रकार लेजर चिकित्सा अच्छी टॉपिकल थेरापी अच्छी सहित आम किसी मेडिकेटेड क्रीम आम एडवाइस करता जो पेशेंट को सदा रात शोला पूर्व लगे पड़ता है हेलो नमस्कार मैडम के कोथले कोड कोथले मु कटकपुर बोलती आ गया मैडम कोन तो कोन प्रश्न रहि छी आपनकर एक्चुअली मोर जियर माने फेस का जो कलर मेक से किनो ब्लैक रहू से बोले अच्छा मोर डिफरेंट कलर रहू कोन जानि बा को चाहु छन मैडम माने सेखा के कोन करा जियो मु से तो पछि अच्छा हां बेले बेले कोन हुए जदि ओजन बढिबो बा वेट गेन बेसी होबो जोटा के आमे ओबेसिटी कहु तो सही समय रे कोन हुए ना अबनॉर्मल जगह रे सब पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाए तो सेटा अकांथोसिस नाइग्रिकेंस बोली आमे कहु तो नेक रो देखिए पछो पटे से बले पूरा गोटे धीरे धीरे ब्लैक हो जाए पूरा गोटे एकदम ब्लैक रो जेमति कलर लगा हितो से टाइप रो हो जाए बेले बेले एल्बोस जगह रे हुए तो तार ट्रीटमेंट हला प्रथमे आपनकर ओजन कमेबा निहाती दरकार ता सहित किछि प्रकार मेडिकेटेड क्रीम आउ टॉपिकल थेरापी अछि जोथरे से पिगमेंटेशन टाकु आमे टिके लाइट करै दे परिबा
ओके निहत भावे बहुत बहुत धन्यवाद जो कलर कल करते आशा कर उत्तर पाई डॉक्टर दास कहुए पारे कि प्लास्टिक सर्जरी नीड आउ कॉस्मेटिक सर्जरी सौक सेमती कहीपरिनी आगे थिला तो मुझे 20-30 इयर्स बैक आम समस्ते भावुले कॉस्मेटिक सर्जरी केवल फिल्म एक्टर बा एक्ट्रेस किंबा मॉडल माने करउछन बट एबे लास्ट 10 इयर्स मुझे देखुची एबे समस्ते कॉस्मेटिक सर्जरी कराउछन्ती कारण आजिका जमानारे आपण जो भी एरिया जो भी जॉब देखंतु जो भी प्लेटफॉर्म देखंतु आपण निजे निजको प्रेजेंटेबल करबा निहाती जरूरी हिची तो जदि आपण निजको प्रेजेंटेबल करि पारंती ताहाले आपणकर जो जॉब रे निश्चित तो गोटे अलग प्रकार माइलेज मिलूँ तो से समस्ते सहित सोशल मीडिया आपणकर प्री वेडिंग वीडियो शूट यू बहुत प्रकार हो गला जोटा कि डिजिटल वर्ल्ड वर्चुअल वर्ल्ड लोक मैंने निजर इमेजटा को छाड़ तो से कॉस्मेटिक सर्जरी चाहिदा दिन कु दिन बढ़ी चली समस्ते निजर बेस्ट देखा चाहते तो जी भी जहाँ भी टे डिफेक्ट बा डेफिसीयसी अच्छी कॉस्मेटिक सर्जरी द्वारा कराँ तो मुटा को सौक कह एटा को बेले बेले नेसेसिटी भी अच्छी जो मैंने आउ जो थे कि आपंकर कॉन्फिडेंस बढ़ी जाऊँगी तो इट्स लाइक ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सर्जरी बाय रिस्टोरिंग योर कॉन्फिडेंस एक्जेक्टली डॉक्टर दास जो मैंने भी चाहूँगे मन जो द्वंद्व था बेस एक्सपेन्सीव जो जापारती अनेक कम से कम से क्लीयर हो जाए डॉक्टर दास आउ गोटे कथ हो जो मैंने आपको जाऊे विशेषकर सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी आपको फास्ट किसी टेस्ट करवाक कहते कि जदि किसी पूर्व डिजिज रही मे बी जो सर्जरी परे आउ किछु प्रॉब्लम हे पारे सेमती किछु केबे देखि छन आपण पेशेंट को क्षेत्र रे हां सब सर्जरी भलिया अमर भी सपोज आमे किछु गोटे सर्जरी करू छु तो रूटीन टेस्ट निश्चय करा जाउ छी एनेस्थेसिया पॉइंट ऑफ व्यू रु सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू बट आमो पई गोटे अलगा जिंस चैलेंज रहउ छी तो बहुत जो माने आमो पाखु को सर्जरी आछंती तो बेले बेले प्रायो टाइम से माने गोटे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखी के आसी थांती जे मोर नाकटा चेप्टा अछि तो अमर टिके सुंदर दरकार सो दैट इज ऑल राइट बट बेले बेले बहुत अबनॉर्मल एक्सपेक्टेशन नहीं कि लोक आसती जोटा कि आमपाई बहुत चैलेंजिंग हो जाए सपोज एग्जांपल दूँ तो बहुत जन कहते आमर गोटे बार्बी डॉल टाइप लुक दरकार गोटे फॉक्स आई दरकार तो यही टाइप रिंबा मोर नाकटा ऐश्वर्य नाक भाया दरकार तो यही बहुत फेस चेंज करवा दरकार कि मात्र गोटे जदि पार्ट देखिए नाकटा को आम कर बट करा से झीर लुकटा आल रुहे जोटा कि एक्चुअली गोटे लुक चेंज पई ताको ता फेस को जोटा सुटेबल से लुकटा आनिबा दरकार तो सेथि पई आमे सदा बेले तांकु प्रथमे बहुत काउंसलिंग करू जे आपणकर आमे आपणकर जहां भी डिफेक्ट बा डेफिशिएंसी बा जे असुविधा अछि तो सेही जिंसटा आमर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू रे आमे आगो देखिबा तो कोनटा करिले आपणकर लुकटा निश्चय एनहांसमेंट होबो किंतु आपण जदि कोनोसी फिल्म बा टीवी ए सब देखि भाबुचोनी मोर सेही भलिया गोटे लुक दरकार सेइटा गोटे आपणकर अबनॉर्मल एक्सपेक्टेशन तो से जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आमर साइंटिफिक व्यू मझे गोटे आमको बालान्स आने पड़े जो थे पेशेंट भी सैटिस्फाइड हवा दरकार प्लस तार लुक भी एनहांस हवा दरकार अच्छा डॉक्टर दास सर्जरी विशेषकर कॉस्मेटिक सर्जरी कथा जो आलोचना करछन्दी सर्जरी सेमती किसी लिमिटेड एज अच्छी ना जो एज ग्रुप एडवाइस कर पारे तो मेनली आम कॉस्मेटिक सर्जरी 18-20 वर्ष आरंभ कर 50 वर्ष पर्यंत मैक्सिमम लोक 90% जो ग्रुप अच्छी 90% हला एई एज ग्रुप रे आसुचंती बाकी बेले बेले ओल्ड एज रे किछि किछि लाइक बियॉन्ड 50 रु 70 भीतर किछि किछि करौछ बट बियॉन्ड 70 बहुत कम लोक जो माने आसंती कॉस्मेटिक सर्जरी करै तो मैक्सिमम हमरो 22-45-50 भीतर सेई ग्रुप रो बहुत माने पुरुष माने आ महिला माने दि जण जको आसंती अच्छा डॉक्टर दास सर्जरी आमे वन टाइप ऑफ ऑपरेशंस कहि परबा सर्जरी निश्चय वन टाइम ऑपरेशन जेमते मु आपन कहली जे बहुत जगह रे आमे से जगह रे बधिरा इंजेक्शन देके करी थाउ किबा बधिरा उटे क्रीम देके करी थाउ आ बेले बेले जेमते अलगा सर्जरी जेमते आपन कर गॉल ब्लैडर सर्जरी होची बा अपेंडिक्स सर्जरी होची सेटा जेनरल एनेस्थेसिया अंडर रे हुए तो सेटा सेइत पे आपन पेशेंट रो सेफ्टी पेशेंट रो सब पर डॉक्टर हम देखि छन जे मनन को बेसिकली शुगर भी रहूची से मनन को जदि से माने के भी इंटरेस्टेड थांती देखा जे शुगर जो मनन को थाए ऑपरेशन पूर्व रो अनेक टेस्ट करबा को पड़े शुगर लेवल कम मिला परे ही आपन
जोटा आपणकर देखिबे सपोज किछि गोटे हार्ट डिजीज अछि किंबा डायबिटीज अछि तो सेही भलिया पेशेंट रे आमे निश्चय तांकर टेस्ट वगैरह करै थौ ता सहित जदि आमे अंडर जेनानेस्थेसिया करूछु निश्चय तांकर एनेस्थेसिया चेकअप करा जाय जे बिफोर ऑपरेशन तांकर ठीक ठाक एनेस्थेसिया दिया जीवो केबोली तो प्रॉपर एनेस्थेसिया सेटअप रे प्रॉपर ओटी रे आउ ठीक हॉस्पिटल विथ प्रॉपर बैकअप रे आमे तांकर सर्जरी करै थौ। डॉक्टर दास जो माने अंकर आपण वर्तमान पजंत सर्जरी करै छंती केते दिन पजंत समान को ट्रीटमेंट रे रहबा को पड़े फिक्यूशन नवा को केते दिन पजंत तार सर्जरी नै करी अछि बट रिकवरी टाइम एबे बहुत क्विक हे गेलानी आपण जो दिन भी सर्जरी करिवो सेई दिन संध्या बेले निश्चय से चलाबला सब करि परिवे आ ता सहित अराउंड विद इन 1 वीक प्राय रिकवरी सब हे जाउची आ जहा टिके अल्प अल्प स्वेलिंग बा ये सब रहउची धीरे धीरे विद इन 1 मंथ सब सबसाइड करि जाउची। अच्छा डॉक्टर दास गोटे अंग रे एमते केते थरो सर्जरी करा जाय परिवो गोटे अंग रे आपणकर केतेटा जगार तो थरे सर्जरी करिबा ही ठीक अट सपोज जहार नाक चेप्टा हिची थरे भलरे राइनोप्लास्टी कले सेटा लाइफ लॉन्ग रहिला तारो आउ सर्जरी दरकार नै किंतु बेले बेले आमे जो लाइपोसक्शन सर्जरी करू जो थरे कि लोकंकर गोटे मिसकनसेप्शन अछि जे लाइपोसक्शन गोटे वेट लॉस सर्जरी जोटा कि ट्रू न हो लाइपोसक्शन टा हला आपणकर बॉडी रो कंटूर इंप्रूविंग सर्जरी तो बॉडी रो गोटे प्रॉपर शेप जोटा आपण देखिबे आवर ग्लास फिगर दरकार तो सेई टाइप रो शेप पई आमे लाइपोसक्शन था। तो से लाइपोसक्शन टाक आप लाइफ गोटे जीवन भितर बारंबार करें सेम कौन साइड इफेक्ट ना से तो बेसिकली से जो स्किन तलो जो फैट अच्छी से गोटे जंत्र मध्यम से कढ़ा जा डॉक्टर दास सब विशेषकर मोस्ट पॉपुलर कॉस्मेटिक सर्जरी कौटा बेसी डिमांड कौटा ए बेसी डिमांड अच्छी जदि नॉन सर्जिकल देखिए तेल जो बोटॉक्स फिलर आउ पीआरपी थेरापी बहुत डिमांड आउ सर्जिकल देखिले हेयर ट्रांसप्लांटेशन लाइपोसक्शन आउ ब्रेस्ट रो एनहांसमेंट बा ब्रेस्ट रिडक्शन ए सब रो बेसी चाहिदा अछि। अच्छा डॉक्टर दा सपोज जने बहुत फ्लैट अछंती त बहुत पतला मुह अछि तांको अपन केमति ताको एडजस्ट करंती माने को बॉडी रो को पार्ट रो जोडी अधिक हेवी मांस थिबो सेठु नै के कट करिकि ताको पेसे जगह रे पेस्ट करंती ना केमति कोन थाय ताको आबे गोटे कहो जे ऑटोलोगस फैट ट्रांसफर बा फैट ट्रांसप्लांट बोली कहो तो जो माने बहुत पतला थे हलो चिक थी आम कौन करूँ पेटर फैट नहीं प्रोसेसिंग करके से गाल भितर फैट रो इंजेक्ट करा जाए। अच्छा। तो से गोटे जो गालर फुलनेस रहा कथा से आसे तो से आम ऑटोलोगस फैट ट्रांसफर फैट ट्रांसप्लांट करूँ। अच्छा साइड इफेक्ट टेक्निक प्लेटफॉर्म करती कौन साइड इफेक्ट ना बेले बेले हाँ ठीक अच्छे बिकज ऑफ एनेस्थेसिया रिलेटेड किसी असुविधा तो इज वेरी रेयर। अच्छा क्योंकि अंगरे डॉक्टर दास कॉस्मेटिक सर्जरी करा जाय परबो क्योंकि अंग कॉस्मेटिक सर्जरी जो चाहिदा अछि मेनली आपण कर फेस आउ फेस रे आपण मु जोटा कहली हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज वेरी कॉमन ता सहित तो फेस रो लिप रो जो फिलर सेडा भी बहुत कॉमन आ ता सहित तो जो आपण कर चिजेल लुक पई जो बकल फैट रिमूवल ता परे जो रिंकल्स पई बोटॉक्स इवन फिलर आउ प्लस लिप रो फिलर तो एई सब रो चाहिदा बहुत अछि इवन एबे गोटे नुआ जिनस आसी जोटा आप देखिए माइक्रो पिगमेंटेशन जो थे कि आप देखिए बहुत झील मान आईब्रो प्रॉपर ना तो से आईदर आम हेयर ट्रांसप्लांट करुचे आईब्रो रे ना बेले बेले माइक्रो पिगमेंटेशन टाटुईंग भाग गोटे जिनस करुचे जो थे गोटे कैमोफ्लेज होकर आईब्रो प्रॉपर नेचुरल आईब्रो भाग देखा आसत जदि सर्जिकल पार्ट देखिए सर्जिकल पार्ट में जोटा कि ओवरअल पुरुष मान क्षेत्र गोटे गायनोकोमास्टी अच्छे जोटा कि पुरुष मान अबनॉर्मल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट जो होटा लाइपोसक्शन द्वारा ठीक करुचे आउ फीमेल्स मानक ब्रेस्ट रो इधर रिडक्शन नॉन एनहांसमेंट किंबा बॉडी रो लाइपोसक्शन तो यही गुड़ाक बहुत पॉपुलर अटे आई सर्जरी गुड़ाक मानने मोस्ट कमनली डन प्रोसीजर्स इन ओडिशा एज वेल एज एंटर इंडिया। ओके डॉक्टर दास आउ गोटे कथा मध्य जो कथा आपण कहले जे आईब्रो कथा कहले जो मन कम आईब्रो रोची किंबा हेयर ट्रांसप्लांट कथा कहले जदि एहा को हम हेयर ट्रांसप्लांट करू छंती किंबा आईब्रो कथा जो देखु छंती माने वान्स ट्रीटमेंट परे नॉर्मल उठिबो माने आईब्रो जेमते आज निश्चय निश्चय खाली हेयर ग्रोथ रो टिके जो रेट ऑफ ग्रोथ रो डिफरेंस रहिबो काहेकि ना हमें से जो स्काल्प रो हेयर नै करे आईब्रो लगेबा तार ग्रोथ रे टिके फास्ट होबो तने जो आईब्रो रीशेपिंग आपण मझे मझे आईब्रो शेप करू छंती तो सेटा
हुए तो आपको फ्रिक्वेंटली करवाक पड़ो बट अदरवैज से ही भाया से ही पैटर्न ही हेयर उठ खाली रेट अफ ग्रोथटा टे फास्ट हम अच्छा डॉक्टर दास कॉस्मेटिक सर्जरी विशेष कर देखा जाए 100% सेफ और सक्सेसफुल आम एक कहपर निश्चय ना मो जोटा आपन बारंबार कहूँ जे आपंकर गोटे क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन करबा निहाती दरकार वी हैव ऑल्सो वन एसोसिएशन आमर इंडियन एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन तो जणे कॉस्मेटिक सर्जन हवा को हेले गोटे इंडियन एसोसिएशन एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन मेंबर होबा निहाती दरकार कारण से मेंबरशिप जदि आपन क्वालिफाइड थिबो ताहेले मिलिबो तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे क्वालिफाइड जो आईसैप्स रो मेंबर अछंदी आईआईएफस रो मेंबर अछन तांको पाखरे करंतु सेकंड जेसे होला प्लेटफार्म जाय जेंती सपोज एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग इन सम अल्टीमेट हॉस्पिटल तो जो प्लेटफॉर्म जो सम अल्टीमेट रे आमर ओटी अछि आमर इक्विपमेंट्स अछि तो सेही प्लेटफॉर्म टा बहुत इंपोर्टेंट जदि प्रॉपर प्लेटफॉर्म रे आपण सर्जरी टा करैबे आपण देखिबे रिजल्ट भलो आसीबो आउ साइड इफेक्ट मिनिमल रहइबो अच्छा डॉक्टर दास शेष क्वेश्चन रहइबो जो माने दर्शक देखुछंती जो माने भी इंटरेस्टेड थिबे कम से कम जो एक्सपेंसिव को नै कि गोटे कन्फ्यूजन थिला सेहीटा तो केबे भी चिंता करोंदो कारण आपण देखिबे एनी अदर सर्जरी लाइक सपोज गोटे सिजेरियन सेक्शन होउछि गोटे भलो हॉस्पिटल रे आपण 70-80,000 खर्च होइ जाउछि तो आपण देखिबे जो माने बहुत प्रकार कॉस्मेटिक सर्जरी जोटा मो आपण गोटे जिंस छाड़ देली जो माने विवाहित महिला आपणकर प्रेगनेंसी पर तांका पेट होली जाउछि तो गोटे एब्डोमिनोप्लास्टी भी बहुत करूछोंदी तो सेही एब्डोमिनोप्लास्टी रो कॉस्ट हला आपणक जेमती एब्डोमिनोप्लास्टी कला परे विवाह पूर्व जेमती पेट थिला सेही भले पेट होइ जाउछि आउतरे तो तार कॉस्ट आपण सुनिले आश्चर्य होबे 80,000 रु 1 लाख भितरे रहउछि तो एही भले इट्स कॉस्मेटिक सर्जरी इज नॉट एक्सपेंसिव इवन गोटे भलो प्लेटफॉर्म रे इवन आपण देखिबे सम अल्टीमेट रो खर्च कहउछि मो गोटे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भलो सेटअप रे तो बहुत कम खर्च रे भलो कॉस्मेटिक जोटे कि बेंगलोर कलकत्ता अपेक्षा तो निश्चय चिपर रहउछि तणो एबे बहुत जण गोटे ट्रेंड भी हेलाणी बहुत जण बेंगलोर साउथ रु आसुचोंदी आ आसिकरी एठी भुवनेश्वर कॉस्मेटिक सर्जरी करिक जाउचोंदी नियंती कम से कम डॉक्टर दास जो माने इंटरेस्टेड भी थिबे से माने आज ही कम से कम क्लियर हे जाइथिबे जे एते भी एक्सपेंसिव नु हे पॉकेट को सोयला वाली प्राइस रहै छै जने चाहिले भी कॉस्मेटिक सर्जरी करि परिबे जदी जति के भी सुंदर अछंती ताठो जदी अधिक सुंदर होबा पई चाहउचंती किबा कोनोसी पार्ट रे आपनकर प्रॉब्लम अछि तबे आपन कॉस्मेटिक सर्जरी मध्ये करि परिबे आ जो कथा डॉक्टर दास कहथली एकदम सेफ आउ सक्सेसफुल मध्ये आपन जने अभिज्ञ डाक्टर अर्थात जो कॉस्मेटिक सर्जन रहिछन तांको सहित परामर्श करंतु एवं सेठरे जाय आपन ट्रीटमेंट मध्य करंतु बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दास आपन समय बाहर करले हम कार्यक्रम रे शामिल हेले बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दास नमस्कार तेज दर्शक बंधु आज आम कथा होते आम सहित डॉक्टर दास थे जहाँ आप शुणुते कॉस्मेटिक सर्जरी को नहीं अनेक गुड़े प्रश्न आपण मन जार से उत्तर रखुते और गुरुत्वपूर्ण परामर्श दे आशा करपिसोड आपको निश्चय पसंद आसान पर मत विदाय दिंतु नमस्कार।